तो पिछली वीडियो में हमने ये सारे हेडिंग के डिज़ाइन बनाने सीखे थे जो कि बिल्कुल सिंपल थे। अब चलिए कुछ इससे भी अट्रैक्टिव हेडिंग डिज़ाइन तैयार करना सीखेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, फॉन्ट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, और इसी पे हम कुछ और चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक और कॉपी बनाएंगे और कलर यहाँ से इसका ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो इससे पहले हमने बनाया था वो एडिटेबल था, लेकिन अब जो हम हेडिंग बनाएंगे तो ये एडिटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम कंट्रोल के कर देते हैं। कंट्रोल के कर देने से ये ब्रेक हो जाएगा, देखिए दोनों अलग अलग हो गया। अब इसको भी हम कंट्रोल के और फिर इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल के करेंगे, यानी हर एक लेटर हमारा अलग अलग हो गया। अब फिर पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू कर देंगे, यानी कि ये अब कर्व हो गया, अब इसे कोई एडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, आप जो चाहें वो इसमें शेप अब दे सकते हैं। तो यहाँ पे शेप टूल पर आएंगे सिलेक्ट करके, और नीचे से ये दोनों नोड सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ थोड़ा सा नीचे खींच देंगे, लंबा कर देंगे इसे कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से पॉ को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा सा लंबा करेंगे। अब इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी कि आप किस लेटर को कैसे करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर दिखेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको बनाने के बाद वो अच्छा ना लगे तो उसे डिलीट करके दूसरा बनाना पड़ेगा। लास्ट में जो र है स्टोर का, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कुछ और हम बनाने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि र को हमने नीचे खींच दिया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इस नोड पर डबल क्लिक करके इसको ख़त्म करेंगे, ऐसे इसको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। और फिर इन सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा दूर खींचेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको पतला करेंगे ताकि ये अपने ओरिजिनल शेप में दिखे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रिंट स्टोर ये दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे हमने खींच दिया है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी के बराबर करेंगे, तो ऊपर से गाइडलाइन ले लेते हैं, ठीक, और इसको दोबारा सिलेक्ट करके शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर खींच देंगे। एक तो हो गया हमारा ये, और इसी का एक और हम कॉपी बनाते हैं। पहले राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे ताकि पहले वाला भी हमारा ख़राब ना हो। अब इसमें हम दूसरा चीज़ ये करेंगे कि ये जो प्रिंट है ये वाला आधा रह, इसको हम यहाँ से बड़ा करेंगे कुछ इस तरीके से, और इस वाले को सिलेक्ट करके हम ऊपर कर देंगे यहाँ तक। आप चाहें तो फिर इसको सिलेक्ट करके नीचे खींच सकते हैं ऐसे, एक स्टाइल हमारा ये भी हो गया। और इसमें अब स्टोर में जो ओ का मात्रा है इसको भी हम बड़ा कर देते हैं कुछ यहाँ तक, और इतना करने के बाद नीचे एक स्टाइल में यहाँ से कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला मोटा से पतला वाला, और कुछ इस तरीके से खींच लेंगे। खींचने के बाद ये बहुत पतला दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ से मोटा कर सकते हैं स्ट्रोक इसका बढ़ा करके। जितना में आपको लगे कि ठीक है, मेरे हिसाब से अब ये ठीक लग रहा है तो रहने दीजिए। फिर इस पर राइट क्लिक करिए और इसको भी ब्रेक करिए क्योंकि इसके अंदर एक लाइन है। अब इसको बाहर करिए और डिलीट कर दीजिए। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप वायर फ्रेम ऑन करके देख सकते हैं। मैं एक बार कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। व्यू पर आएंगे, वायर फ्रेम ऑन करेंगे तो ये देखिए, अब यही बीच वाला आपको डिलीट कर देना है। नहीं डिलीट करेंगे तो छोटा बड़ा करने में ये प्रॉब्लम करता है। फिर से व्यू पर आएंगे, इन्हांस पे क्लिक कर देंगे, ये सही हो गया। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा एक अलग स्टाइल बन गया इसके मुकाबले। अब फिर से हम पॉ को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं कुछ इसके मुकाबले, यानी एडजस्ट करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे, सही है। लेकिन नहीं अच्छा दिख रहा है, पहले वाला ही अच्छा था, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला पहले कि इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कैसा दिख रहा है। इसके लिए आप चाहें तो दूसरे कैलीग्राफिक डिज़ाइन को देख करके आइडिया ले सकते हैं, यानी जो स्टाइलिश शुभ विवाह, शुभ तिलक या फिर कुछ और लिखा होता है तो उसको देख के आइडिया लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और भी इसमें अभी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। र को आप मोड़ के ऊपर घुमा सकते हैं, इसी तरीके से ये जो ई का मात्रा है इसको भी अच्छा कर सकते हैं, ओ का मात्रा है इसको भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो आपको जो लिखना होगा पहले आप एक बार खुद से पेपर पे लिख के देख लीजिएगा कि आप किस किस तरीके से उसको अच्छा बना सकते हैं। इसमें किसी फॉन्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना कि
हिंदी कैलीग्राफी फॉन्ट दे दीजिए, स्टाइलिश फॉन्ट दे दीजिए, भाई आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, किसी भी फॉन्ट से कुछ भी बना सकते हो। हाँ टाइम तो लगेगा लेकिन बिल्कुल यूनिक बनेगा, कोई किसी फॉन्ट से वैसा नहीं लिख पाएगा जैसा आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो अब नीचे वाले को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी हमको ये अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले को हम कर देंगे डिलीट और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी एक कॉपी बनाएंगे। ये तो एक हो गया। अब इस चीज़ में भी आप ऊपर वाले जितने चीज़ हमने अप्लाई किए थे ये सारा अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका ये भी अच्छा दिखने लगेगा। तो उसके लिए पार्ट वन वाला वीडियो देख लेना। लेकिन अब इस वीडियो में इसको थोड़ा सा और अलग बनाएंगे। तो ये तो हमारा हो ही गया, लेकिन कुछ अलग बनाने के लिए अब क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आके यहाँ से हम वेल्ड कर देंगे। वेल्ड करने से क्या होगा कि अब ये सब एक में हो गया। ये देखिए पहले र अलग था, सब कुछ अलग था, कलर वगैरह बनने में दिक्कत होती, लेकिन अब ये सब एक में हो गया। तो आप कुछ भी यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब साथ में रहेगा। और यहाँ पे आते हैं हम एक बार इनवेलप टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो हमने इनवेलप टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया, बीच वाला दोनों नोड सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरीके से राउंड टाइप की बनाने की कोशिश करेंगे। और ये वाला बीच वाला जो है इस पर डबल क्लिक करके ख़त्म करेंगे, इसको भी ख़त्म करेंगे। और ये हमारा राउंड टाइप का तो दिख रहा है लेकिन अभी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करके और इसको भी इसके बराबर करेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे ही इसको भी क्लिक करके और इसके बराबर करेंगे नीचे वाले को भी, ताकि ये थोड़ा स्मूथ दिखे और देखने में अच्छा लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखने लगा, जहाँ पे आप चाहें तो अपने बैनर पोस्टर पे एक बॉक्स दे करके और उसमें इसे लिख देंगे, काफ़ी ये बेहतरीन दिखेगा। तो फिलहाल ये हो गया, अभी इसमें और बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और यूनिक बना दिया जाए, तो एक कॉपी इसका हम और लेंगे। देखिए बार बार कॉपी लेने से फाइल तो आपकी हैवी होगी, लेकिन एक बेनिफिट ये होगा कि आपका पुराना वाला मेहनत बेकार नहीं जाएगा। अगर ये अच्छा नहीं लगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल जेड भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा काम बिल्कुल छोटे पे हम कर रहे हैं तो फाइल इतना हैवी भी नहीं होगा। तो अब इसमें हम फिर से यूज़ करेंगे कंट्रोल टूल। तो यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के बाहर खींचेंगे कुछ इस तरीके से, और इतना ज़्यादा कंट्रोल हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आके राउंड कर देंगे, ये राउंड हो जाएगा, ऑलरेडी राउंड है, कोई बात नहीं। अब इस पर राइट क्लिक करके ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद बाहर करके आप देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कंट्रोल जेड करके वापस करिए, बीच में ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा दिख रहा है आप इसको ख़त्म कर दीजिए। सेव टूल पे आएंगे, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमारा ये जो बाहर वाला हिस्सा ब्लैक वाला है यही सिलेक्ट रहेगा, लेकिन पहले इसका कलर हम कुछ और कर लेते हैं। अभी सबका कलर हम चेंज करेंगे और फिर से इस पर आते हैं। अब ब्लॉक शैडो का यूज़ करेंगे हम, यहाँ से ब्लॉक शैडो, और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे खींचेंगे कुछ इतना सा, ठीक सही है, मतलब थोड़ा सा डेप्थ दिखे ये 3D टाइप का। इसको भी अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके ब्रेक कर लेंगे, और इसको अभी फ़िलहाल हम सफ़ेद कर देते हैं। और सफ़ेद करने के बाद इसमें भी ब्लॉक शैडो डालेंगे, तो ब्लॉक शैडो को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी पकड़ के नीचे खींचेंगे इतना सा, ठीक सही है। अब इस पर भी राइट क्लिक करके और इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, ये हो गया हमारा एक 3D स्टिकर टाइप का लुक। आप किसी भी बैनर पोस्टर पे लगा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन दिखेगा। अब मेन चीज़ है इसका कलर कम्बिनेशन देना, तो इसको हम कलर कम्बिनेशन देंगे। इससे पीछे एक वीडियो हमने बनाया था जो कि इंग्लिश में हमने जंगल का वर्ड लिखा था, तो वो ट्यूटोरियल नहीं था, सिर्फ आपको हमने बताया था। लेकिन अब इस वाले चीज़ में उसी चीज़ का ये ट्यूटोरियल मान लीजिए। तो सबसे पहले तो वाइट वाले का कलर हम चेंज करेंगे, जो कलर हमने उसमें डाला था वही कलर हम इसमें डालेंगे। जी प्रेस करेंगे ग्रेडियंट कलर डालने के लिए और ऊपर से नीचे खींचेंगे कुछ इस तरीके से, और नीचे वाले में हमारा यही कलर रहेगा और ऊपर वाले में हम पीला कलर डालेंगे, बिल्कुल लाइट पीला, ठीक है। और इसके नीचे जो ब्लैक है, इस ब्लैक को सिलेक्ट करके यहाँ से हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे कुछ इतना सा। अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, जब कलर सब चेंज हो जाएगा अच्छा दिखने लगेगा। अब ये जो बड़ा वाला हमारा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम भर देंगे ग्रीन कलर, ग्रीन में भी हम ग्रेडियंट डालेंगे, तो इसके लिए भी जी प्रेस करेंगे और ऊपर से नीचे खींचेंगे, नीचे हमारा यही ग्रीन रहेगा और ऊपर थोड़ा सा लाइट ग्रीन देंगे,
तो इस पर देर तक क्लिक किए रहेंगे हरे वाले पर, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऊपर लाइट ग्रीन हो जाएगा। ऊपर लाइट ग्रीन इसलिए दे रहे हैं ताकि पता चले कि हाँ ऊपर से लाइट आ रही है। अगर ये बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, फिर से ये प्रेस करते हैं तो इस वाले पे हम ये ग्रीन डालेंगे और इस पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा डार्क डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, अब ठीक है। अब नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे जो ब्लॉक शैडो था, और इसको चाहे तो इससे भी ज़्यादा डार्क हरा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर सही है इससे भी ज़्यादा डार्क हरा रहेगा तो ही अच्छा लगेगा, ये कलर सही है। अब थोड़ा बहुत इसको और अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा लुक देना चाहते हैं, तो जैसा कि उस वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से लाइन दे दीजिए और उसको वाइट कर दीजिए ताकि ये चमकने लगे। किस तरीके से करेंगे चलिए करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से भी हम या तो टू पॉइंट लाइन ले लीजिए तो फिर आपको उसे कर्व करना पड़ेगा, या फिर फ्री हैंड लेके भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार फ्री हैंड से ही दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से आप फ्री हैंड आप स्मूथली नहीं चला पाएंगे, तो इसको भी सेफ टूल से आप सही कर सकते हैं। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी अच्छी महारत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको यहाँ से सफ़ेद कर दीजिए। इसी तरीके से इन सब पे भी आप लगा सकते हैं, हम टू पॉइंट लाइन ही लगाते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा। सेफ टूल पर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टू कर्व करेंगे और इसको इस तरीके से इसको भी कर देते हैं वाइट। अब जब आप इसको छोटा करेंगे, ये देखिए ऊपर से जैसे लग रहा है कि लाइट आ रहा है तो यहाँ पे चमक रहा है, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अभी और चमकाने के लिए आप चाहें तो इसमें स्टार और भी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आप करना चाहें कर सकते हैं। कुल मिला जुला के एक आइडिया मिल गया ये अलग तरीके से हेडिंग बनाने का, अभी एक और वीडियो इस पर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।